इसके पीछे मैं इतनी परेशान हो रही थी, और मैं बस नॉर्मली शिव जी की पूजा में शामिल होना चाहती थी घर की, एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल, तो मैं चाहती थी कि मुझे भी मौका मिले कि मैं भी शिव जी के दर्शन कर पाऊँ दूर से ही, चाहे सही मैं हॉल के गेट के बाहर बैठ के ही पूजा में शामिल हो पाऊँ। तो श्रद्धा ने एक शर्त रखी थी कि तुम्हें जितनी भी लेडीज़ आएंगी उनकी चप्पल जूते संभाल के एकदम उनका ख्याल रखना है, उन्हें साफ़ करके जमा जमा के रखना है, तभी तुम यहाँ पर गेट पे बैठ पाओगी, वरना इस पूजा में भी शामिल नहीं हो पाओगी। तो बिहान उस बात से बहुत एकदम एंग्री यंग मैन टाइप, उन्होंने शिव जी की पूजा तो क्या शिव जी का पूरा कहते हैं या पूरी टॉफी तो क्या पूरी चॉकलेट ही दे दी टाइप्स। आई मीन टू से मतलब एक छोटी सी चीज़ के पीछे जो मैं सिर्फ दर्शन के पीछे इतना परेशान हुई हूँ, उन्होंने पूरे शिव जी की शिवलिंग ही वहाँ पर बाहर बना दी। या आई वो सीन पूरे फैंस लगा रखे थे और ये जो गंदे पत्थर होते हैं वो सब उड़ रहे थे, पत्ते पत्थर सब कुछ उड़ रहे थे। तो इनके साथ जब मेरा भी शॉट हुआ तो तूफान का जो हमने सीन किया, एक तूफान आ रहा है उसमें पत्तों के साथ इतने बड़े बड़े पत्थर भी आके सिर पे लग रहे थे, तो सबसे हाँ एक लगा भी मेरे यहाँ झेला हूँ मैं तो। या तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सीन जो हमने आज तक किए उसमें से ये एक है, और करते हुए इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, पूरा होल बैकग्राउंड शिव जी का जो तांडव म्यूजिक है वो बज रहा था और शिवलिंग बन रहा है एंड तूफान चल रहा है, ये यू नो कहते हैं एकदम ऐसे मूवी का ड्रामेटिक सीक्वेंस होता है वैसे। आउटडोर तो हम बहुत दिनों से शूट कर रहे हैं जब से ये काउ शीट का सीक्वेंस आया है, लेकिन इस साल मुझे लगता है गर्मी कुछ ज़्यादा ही है बॉम्बे में भी, तो शायद ये हमारे नसीब में थी, हम दोनों को पहला ही साल हुआ है, पहला साल होने वाला है ऑफ कोर्स, और पहले साल में इतनी गंदी इतनी मतलब इतनी गर्मी, लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही हॉट है हमारे आते ही बॉम्बे में इतनी। थैंक यू।